जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी कब है, शुभ समय क्या है, व्रत किस दिन रखना है, व्रत में क्या खाना है, क्या पीना चाहिए, हरी वसर का क्या अर्थ होता है, व्रत खोलने का सही समय क्या रहेगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। एक महीने में दो एकादशियां होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, दूसरी कृष्ण पक्ष की। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी की रात्रि से ही हो जाती है और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन होता है। तब व्रत का पारण शुभ मुहूर्त पर ही करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे व्रत के पारण के नियम क्या होते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत के पारण के नियम जानना बेहद ही जरूरी होता है। जितना कि एकादशी व्रत जरूरी होता है, उतना ही जरूरी व्रत का पारण करना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एकादशी व्रत के पारण के बारे में पता नहीं होता है और जिनको पता भी होता है वो अनदेखा कर देते हैं। एकादशी व्रत हमें दशमी की रात्रि से ही शुरू करना होता है। दशमी की रात्रि से ही भोजन का त्याग करना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तब सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन करना चाहिए। एकादशी के पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखा जाता है और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। व्रत को सूर्य उदय के बाद खोला जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत को द्वादशी समाप्त होने से पहले ही खोला जाता है। यदि तिथियों के कारण घटबड़ हो जाती है और द्वादशी सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाती है, तब भी आपको एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही करना होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत का पारण आपको हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। तब मैं आपको बताऊंगी कि हरिवासर होता क्या है और हरिवसर के समय एकादशी व्रत का पारण क्यों नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवसर का समय होता है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हरिवसर में नहीं किया जाता है। इसलिए ही व्रत रखने वालों को इस समय को समाप्त होने का इंतजार करना होता है। द्वादशी तिथि की प्रथम चौथाई समय खत्म होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण हो सकता है। तब आपको सबसे पहले हिंदू पंचांग में कैलेंडर में देख लेना चाहिए, तब उसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत पारण का सबसे सही समय होता है सुबह का। तब व्रत रखने वालों को दोपहर के समय व्रत खोलने से बचना चाहिए। सूर्य उदय होने के 3-4 घंटे के अंदर ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस बार की जो एकादशी है, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या फिर वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि ने वामन रूप धारण किया था और राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। और भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पर ही भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु चतुर्मास में शयन निद्रा में होते हैं। इस एकादशी पर ही भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए ही इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार की परिवर्तनी एकादशी शुरू हो रही है 25 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 7:55 से और 26 सितंबर मंगलवार के दिन सुबह 5:01 तक रहेगी। तब इस बार दो एकादशियां मनाई जा रही हैं। तब 25 सितंबर का व्रत गृहस्थ वाले लोगों के लिए होगा और 26 सितंबर के दिन का व्रत वैष्णव संप्रदाय वालों के लिए होगा। तब जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को 25 सितंबर को ही एकादशी का व्रत रखना है। अब बात करते हैं कि गृहस्थ आश्रम वाले लोग व्रत का पारण कब किस समय करें। तब 25 सितंबर को व्रत करने वाले लोगों को अपने व्रत का पारण 26 सितंबर को
10:45 से 11 के बीच में ही व्रत पारण किया जाएगा। हमारे पास 15 का समय होगा और जिन भक्तों का 26 सितंबर का व्रत है वो भक्त 27 सितंबर सूर्य उदय के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एकादशी के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। तब आप एकादशी के व्रत में जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, पर फलहार एक समय ही कर सकते हैं। आप फलहार 1 से 3 के बीच में कर सकते हैं और उसके बाद आप रात्रि में जूस, चाय, दूध, जल पी सकते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तब आप शाम के समय भी फल खा सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए और बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए खाटू के राजा श्याम चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।